About 20 years since I thought like that. खाली जाते पांच अटैच करा पांच लीटर से
मैं खाते का ही क्यों रहा होते थे लगभग ना थ्री वन थ्री वन थ्री है Therefore, number of ways the letter can be posted. Number of ways the letter can be posted. Letters can be posted is equal to number of ways the letters can be posted is equal to 3:5 is equal to 43. Last question या type sir, in how many permutations of ठीक है, मैं कर दूँगा in how many permutations of 11 dissimilar things, 11 dissimilar things. Taken four at a time. Taken four at a time. Will one particular thing? There are both questions. The first question always occur. Will one particular thing? First part always occur. और दूसरा पार्ट नेवर अगर द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी परमिटेशंस ऑफ 11 डिसिमिलर थिंग्स टेकन फोर एट अ टाइम विल वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अगर और नेवर अगर म्हणजे काय करते 11 वेगवेगळे होती डिसिमिलर म्हणजे वेगवेगळे होती आहे त्या 11 पैकी आपल्याला एका वेळेला 4 सिलेक्ट करायचे आहेत तर या 11 पैकी 4 सिलेक्ट कसे करता येऊ शकतात कॉम्प्युटर सिलेक्ट करते 11 C4 सॉरी 11 पैकी 4 आहे बघा तर 11 थिंग There are 11 different things possible. उनमें से हमने क्या किया है? हमने 11 में से 4 को सिलेक्ट किया है. और 4 का ग्रुपिंग किया. ग्रुपिंग किया मतलब क्या है? इसमें कंफ्यूजन के लिए मतलब 1 2 3 4 1 2 4 3 3 4 वगैरह वगैरह से लो. तो ये सारा मिला के जो होगा that will be permutation of 4 things out of 11. ये जो भी मिलेंगे तो भी है 11 P4 possibilities. कारण पहिल्या नंबर 11 पैकी काही असू शकतो दुसरं 10 पैकी काही असू शकतो दुसरं 9 पैकी काही असं इलेव्हन पी नाईन पॉसिबिलिटी इलेव्हन पी फोर पॉसिबिलिटी आता इलेव्हन पी चालू आहे इलेव्हन पॉसिबिलिटी इलेव्हन में से कोई एक पर्टिक्युलर थिंग होगा सपोज 5 नंबर का वो पक्का आएगा ऐसा कब कितनी बार होगा वेट का क्वेश्चन ये बोला समझा साधे से कार्ड होती इतना कार्ड होती एक के 11 नंबर लिखे वन ये 11 कार्ड में से हमने 4 कार्ड को सिलेक्ट किया अब 4 कार्ड 1 2 3 4
या चार कार्डला सिलेक्ट करताना काय होऊ शकतं रे, पहिल्यांदा या अकरावी कुठे नंबर येऊ शकतो, तो इथे गेलाय आपला जर पुढचं सिलेक्ट करतो की पुन्हा रिपीट तर नाही करणार, त्यामुळे इथे दहा पैकी कुठे पाहिजे, दोन पैकी आठ पैकी, त्यामुळे हे इलेव्हन म्हणजे काय होईल, कार्ड नंबर सेवन ही नको पक्का आहे, अगर वो पक्का आहे तो मान देते कार्ड नंबर सेवन
ए पर्टिकुलर थिंग टू बी श्योरली देयर ए पर्टिकुलर थिंग टू बी श्योरली देयर इन द परम्यूटेशन it can occur as follows. It can occur, it can happen as follows. ते चार डैश करायचे, त्याच्या खाली येतो वन ऑफ वन, वन ऑफ टेन, वन ऑफ नाइन आणि वन ऑफ एट. हो गया. Is equal to 1 into 10 into 9 into 8 is equal to 720. Bakhali jata, number of ways of a particular thing being surely selected. Number of ways a particular thing will be surely selected is equal to 4 into 720. Is equal to 4 into 720. क्योंकि 4 अलग अलग possible places है ना. 4 into 720 is equal to 280. Number of ways it does not occur. Is equal to 11p4 minus 2880. Is equal to 11p4 minus 2880. इलेवन पी फोर दीजिए तो बगा इलेवन दीजिए तो सेवन नाइन टू जीरो माइनस टू एट एट जीरो इज इक्वल टू पढ़ लियो बोल लियो स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ परम्युटेशन. परम्युटेशन अजून दोन टॉपिक बाकी आहेत. आपला आत्ताचा जो आहे सगळ्यात पहिला होता, सगळ्यात सोपा होता. याच्या पुढचा टॉपिक थोडासा वेगळा, थोडा स्लाइड वन स्टेप मोर डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, जस्ट वन मोर थिंग. आणि थर्ड टॉपिक सर्क्युलर परम्युटेशन, तिथे मात्र आपल्याला जरा नीट लक्ष द्यावं लागेल. परंतु जेव्हा इथे आपण बोलतो त्या Name of the topic is permutation where the objects are not distinct. Name of the topic is permutation where objects are not distinct. शर्ट
सोचते हैं डिस्प्ले जो उसका सबसे सिग्निफिकेंट डिस्प्ले है वहाँ पे 3000 फीचर्स की जगह बनी है। एक ये है, एक दूसरा यहाँ पे है, एक तीसरा है, एक टाइप की शर्ट वाला दूसरा, एक तीसरा शर्ट वाला, तीन अलग हैं। और उसके बाद ना पांच मान लो पांच शर्ट्स है खास, तो वो सोचता है कि वो डिस्प्ले में लगा है तो लोग उनको देख के सोचेंगे जरूर कि अगर आप भरी शर्ट है वो मतलब कितनी है जो उधर, और उनको यही चाहिए ना डिस्प्ले से क्या होना चाहिए कि इंक्वायरी आना चाहिए, फिर वो उसका स्किल है मान लीजिए आपकी इंक्वायरी को वो बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेगा, लेकिन पहले इंक्वायरी आना चाहिए। तो वो शर्ट बेचने के लिए नहीं लगा, वो शर्ट इसलिए लगा रहा है कि जो आने जाने वाले लोग थे जो शर्ट खरीदने के लिए घर से नहीं निकले थे लेकिन उनके पास 15-20 मिनट आधा घंटा है तो उन्हें कहा ना बहुत घर शर्ट सा खरीदते हैं और वो देखो तब वो यही चाहता है क्योंकि उनको पसंद आए ऐसी चीज उसने रखी है तो पसंद आए तो ले लेंगे और बस उसी के दुकान खोला उसने। तो ये सारा करने का वजह क्या है, उसको तीन शर्ट लगा है तो उसको रोक बैठ जाए। और उसमें पॉइंट क्या है कि आई थे नहीं पहले तो मैं तीन शर्ट देखा थे, एक एक रेड पहला रेड आणि शेवटचा रेड सेम आहे एकदम सेम सेम साइज आहे लोगो पण बघा तुम्ही सेम पण पडतो आता म्हणजे उत्तर आहे रस्ते काय रेड एक पण सेम रेड शेवट काय देतो का उदा बीच इज द तो मी नो वरी अबाउट साइज इन दिस सिचुएशन इट इज ओनली व्हेन यू आर वेरिंग देम देयर आर द साइज ऑफ इट द साइज काय आहे पण हे वेगवेगळे साइज आहेत पण आपले रेड सेम आहेत दोन पत्ता ऐसे पांच शर्ट्स हैं, हम तो नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 जैसा दूल्हा आकर आगे आपके क्लास में है उसका दादा तो घर जाके उसको बोल रहे हैं पापा ये ना पांच शर्ट है ना इनको आप 5-3 वे से अरेंज कर रखो, ये जो भी दावी क्लास पर नहीं मैं तो बोलते हैं वो फाइव डिग्री मुझे फाइव फैक्टोरियल और फाइव माइनस थ्री ब्रैकेट बीच से बोलो फाइव फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल मुझे फाइव फोर तो तो ये भी एक तो वाव है और 60 है 60 यू कैन हैव 60 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ देम इतना होगा तो कैसे बोले इसमें जरूरी क्या है कि आप ना 1, 2, 3 और 1, 3, 2 को अलग अलग पकड़ेंगे मतलब आंसर लिखा बेटा यार बेटा तो कह रहा है इतने को सिर्फ तो आज देखा जाएगा लेकिन उसको कह रहा 1, 2, 3 को अलग अलग कैसे पकड़े आपने उनके डिस्प्ले लगाई है आपने तब तक क्या पैटर्न तैयार करा देगा तो क्या भारत से झेंडा है का जी सैफ्रॉन नंतर व्हाइट नंतर ग्रीन नंतर क्या होता है रुगर क्या लगे थे कभी क्या रिसर्च है ना आप तो बढ़िया लेकिन उस अंदर नहीं नहीं ये भी तो सही ना कॉम्बिनेशन भी तो अच्छा लगना चाहिए ना दूसरे लोग ये भी तो देख लेंगे इधर रेड और ये ग्रीन ये तो सही तो बेकार है इसको अरे रेड ये लो और ग्रीन बेकार है दैट इज राइट ग्रीन ये फाइट में बैठते हैं मतलब राइट इसलिए अच्छा वो इसको क्लास में डाला बात बोलो चेक करने लगा तो उसने कहा कि यार इसके साथ में बैठे हैं तू लिख के बोले कि मुझे क्या क्या मिलेगा कॉम्बिनेशन में ना बहुत से कॉम्बिनेशन बनते पता तो नहीं फिर वो बताने लगा।